दिस इज प्रशांत, आपका आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम इस ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हर किसी के लाइफ में, या चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉयड हो या फिर किसी का बिजनेस हो या कुछ भी हो, या फिर आप कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र क्यों ना हो। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है हर किसी के लाइफ में, वो चीज है फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसके लिए मार्केट में बहुत सारे लोग जिनको फाइनेंशियल एडवाइजर कहा जाता है, फाइनेंशियल प्लानर्स कहा जाता है, बहुत सारे पैसे भी चार्ज करते हैं। तो ये चीज जो है, इसी चीज को मैं एक सिंप्लीफाइड वे में सबको बताना चाहता हूँ। तो चलो आज शुरू करते हैं फिर। तो जैसे मैं बता रहा था आप सभी को, फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी जरूरी चीज जो हर किसी के लाइफ में होनी ही होनी चाहिए। तो चलो लेट्स डाइव इनटू दिस, लेट्स लुक इनटू इट, व्हाट एग्जैक्टली इज फाइनेंशियल प्लानिंग। सो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आप सबको बता रहा हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो मान लीजिए अभी आप 21 साल के ग्रेजुएट हो, आपको हाल ही में जॉब मिला है, आपने शुरू अभी स्टार्टिंग में अर्न करना चालू कर दिया है, आपको खुद के पैर पे खड़े रह चुके हो। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसे फ्रीडम के बारे में है कि मतलब 5-10 साल बाद, 15 साल बाद मार्केट का इन्फ्लेशन क्या होगा मार्केट में, तब तक आप हम सबको जॉब होगे नहीं होंगे। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर किसी को लाइफ में होना होना ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने जब जॉब चालू किया था, मैं जब 21 का था, मैंने जॉब चालू किया, मैंने काम किया, पढ़ाई के बाद काम किया, पैसा बनाया, खर्च किया, बस खत्म हो गया। अभी जब 5 साल बाद, 6 साल बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने अभी तभी से अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करी रहती तो मेरा फ्यूचर अभी जिस पोजीशन में उससे बेटर सिक्योर रहता, बेटर बेटर वेल्थ क्रिएट हो चुकी रहती थी। तो वही सारी चीजें, जो छोटी छोटी चीजें हम लोग मिस कर जाते हैं कि अभी तो करियर की शुरुआत है, फाइनेंशियल प्लानिंग होगा या फिर रिटायरमेंट प्लान्स वगैरह सब आराम से किया जा सकता है। तो वही सबसे ज्यादा बड़ी गलती हम लोग कर जाते हैं कि हम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे ही आप अपनी कमाई चालू करो या फिर कॉलेज में क्यों ना हो, तब से सभी ने सेविंग्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें उस सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर के लिए अब फ्यूचर सिक्योर करना होता है। तो पहली स्टेप, बस मैं आपको ये 3 स्टेप्स में बताने चाहता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअल में करना कैसे चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो पहला सबसे जरूरी स्टेप है लोन्स। लोन्स में अभी 2 कैटेगरीज के लोन्स होते हैं, एक तो गुड लोन्स और बैड लोन्स। गुड लोन्स यानी कि आपका होम लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, जिसपे मान लीजिए मार्केट में 8-10% रेट चल रहा है, तो दैट इज अ गुड लोन, उसका टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। और ऑन अदर हैंड बैड लोन्स आर हमारे पर्सनल लोन्स हो गए, बाइक लोन्स हो गए, कार लोन्स हो गए, विच आर 15% to 18%। सो दैट इज द पोर्शन विच इज कॉल्ड एज बैड लोन्स। अगर आप कुछ पैसा बचा भी रहे हो, हालांकि आपके पास अभी आप सैलरीड पर्सन हो, कुछ पैसा बचा रहे हो, लेकिन आपके EMIs भी जा रहे हैं ये पर्सनल लोन्स पे 15% 18% के रेट्स पे, विच इज नॉट वेरी गुड। सो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपने पहली चीज एक करनी चाहिए सेविंग्स के भी पहले, कि आपने आपके जितने भी बैड लोन्स है, इमीडिएटली उन सब बैड लोन्स को क्लोज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो बैड लोन्स एक तो आपका सिविल भी खराब करेंगे और आपकी पूरी की पूरी सेविंग्स को भी और पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट को भी। जैसे ही आपको EMI का बर्डन छूट जाता है, आपके सर पे से निकल जाता है, तो आपके पास पूरा का पूरा सैलरी, आपके पास अमाउंट, टोटल अमाउंट अवेलेबल रहेगा, जिसको आप सेविंग्स में, मंथली एक्सपेंसेस में, इन्वेस्टमेंट में डिवाइड कर सकते हो। तो पहली चीज जैसे मैं बता रहा था लोन्स। तो बढ़ते दूसरे स्टेप्स की ओर, जो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए चाहिए होती है। इंश्योरेंस में भी 2 टाइप्स है, एक हो गया टर्म इंश्योरेंस, फिर हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस में अगर आपके फैमिली में आप अकेले पर्सन हो जो अर्न कर रहे हो, करंटली अर्न कर रहे हो, लेट्स से आपकी सैलरी आज ईयरली 5 लाख है, तो टर्म इंश्योरेंस बस अर्निंग मेंबर का ही फैमिली में होना चाहिए। मान लीजिए आपके फैमिली में आपके मॉम डैड है, आपका भाई है, लेकिन वो कुछ अर्न उनके कुछ अर्निंग्स नहीं है, तो उन सबका टर्म इंश्योरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, और उसका एक ही थंब रूल है, जितनी भी आपकी एनुअल सैलरी है उसके 20 टाइम्स आपका लाइफ कवर होना चाहिए। मतलब अगर आपकी 5 लाख की सैलरी है, एनुअल सैलरी है, तो आपका 1 करोड़ का लाइफ कवर का पॉलिसी आपने खरीद टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीद लेना चाहिए। अगर आप 21st 22nd एज में, आप अगर 21 या 22 के एज में आप ये चालू करते हो, तो मार्केट में उस अराउंड ऑलमोस्ट लाइक 10-12K पे और लेस देन दैट आपको टर्म इंश्योरेंस कवर फॉर 1 करोड़ मिल जाएगा। वही अगर आप हम लोगों की तरह 25 या 26 या 27 या फिर 30 के बाद चालू करते हो, तो उसमें दिक्कत कुछ नहीं है, वो भी अच्छा अच्छी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें बस प्रीमियम बढ़ जाता है। अभी जहाँ पे आप लोग 21-22 में स्टार्ट करके 10,000 में 1 करोड़ का कवर ले सकते थे, वही आप
मैं अभी 25, 26 में अगर मैं अभी चालू करता हूँ तो मुझे कम से कम 18,000-20,000 तक टर्म इंश्योरेंस भरना पड़ेगा। तो वही है, जितना जल्दी चालू करोगे उतना जल्दी अच्छा होता है फ्यूचर के लिए भी, और इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी और पैसे के हिसाब से भी। तो ये हो गया टर्म इंश्योरेंस के बारे में। जो भी जितने भी अर्निंग मेंबर्स है उनका एनुअल सैलरी जितना है उसके 20 टाइम्स आपका टर्म लाइफ कवर होना चाहिए, जो भी अर्निंग मेंबर्स है आपके फैमिली में। ये हो गया टर्म इंश्योरेंस। अभी दूसरी साइड है उसकी हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली के सभी मेंबर्स का होना चाहिए। माँ आपके फैमिली में 5 लोग है, 6 लोग है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, या फिर आपके मॉम डैड, आपके सिबलिंग, सबका सबका हेल्थ कवर होना चाहिए। इनिशियली अगर आप जस्ट बिगिनर हो, आपको 3 लाख सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, 5 लाख सैलरी है, आपको अभी लग रहा है कि ये ज्यादा इंश्योरेंस के पॉलिसी प्रीमियम ज्यादा हो जाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस के, तो आप छोटे 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 प्लान से चालू कर सकते हैं। 2 लाख रुपीज कवर पर पर्सन, या फिर 3 लाख रुपीज कवर पर पर्सन, या फिर 1 लाख रुपीज का भी का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो एक। लेकिन ये हेल्थ इंश्योरेंस ध्यान ध्यान दीजिएगा सबके लिए होना चाहिए। हाँ, और टर्म इंश्योरेंस जो अर्निंग मेंबर है बस उसी का होना चाहिए। तो हमारे 2 प्रोस्पेक्ट तो हो गए, एक था लोन्स और दूसरा था इंश्योरेंस, दो दो सॉर्टेड हो गए। अभी थर्ड थर्ड स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे मतलब बहुत सारे ट्रीज है, या फिर बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास कि हम पैसा यहाँ लगा सकते हैं, वहां लगा सकते हैं, वहां लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे भी एक ही की है जो है कि अर्ली स्टार्टिंग, और वो भी जैसे कंपाउंडिंग का मैजिक तो हर किसी को पता ही होता है। जैसा रेगुलर इनकम आप हर साल हर महीने अगर डालोगे, 500 रुपये डालोगे, 1,000 रुपये डालोगे महीने का, वही इनकम आप अगले साल बढ़ाओगे और बढ़ा के अमाउंट डालोगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट में क्यों ना हो, एक म्यूचुअल फंड में क्यों ना हो, गोल्ड में क्यों ना हो, रियल एस्टेट में क्यों ना हो, जैसे आप अपना कैपिटल बढ़ाओगे उसी के साथ कंपाउंडिंग होते 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 20 साल बाद, 25 साल बाद वही पैसा बहुत ज्यादा बन के आ जाता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में अभी हमारे पास शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड से, गोल्ड में कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं। तो अभी इसी का, इसका कुछ क्राइटेरिया नहीं, इसका कुछ थंब रूल नहीं है, जितने पैसे आप सेव कर रहे हो उतना। बस एक एक याद रखिएगा कि इसको एक रेगुलर मंथली सेविंग्स के प्लान की तरह देखिए, सिर्फ कीजिए, या फिर 5,000 का हो, 1,000 रुपये का हो, 500 का हो, लेकिन हर साल ध्यान दीजिएगा कि अगले साल अगर इस साल आप 10,000 कर रहे हो तो अगले साल ट्राई एंड मेक इट 12,000, 15,000, और इस चीज को बंद नहीं करना है। इस चीज को जब तक आप कमा रहे हो, मान लीजिए 15 साल 20 साल, उसी को बढ़ाते जाना है। अगर आप किसी भी ऑनलाइन कैलकुलेटर में खोल के देख लेते हो, या फिर कहाँ पे भी देख लेते हो इन्वेस्टमेंट प्लान को, तो वहां पे यही देखा जाएगा कि 20 साल में अगर आपने 10 साल पर ईयर बचाया रहता तो ऑलमोस्ट ये अमाउंट ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक चला जाता था इन्वेस्टमेंट अमाउंट। म्यूचुअल फंड्स में करो या फिर इक्विटी में करो, थोड़ा सा परसेंटेज रिटर्न का परसेंटेज ऊपर ज्यादा होता है, बस उतना ही फर्क है। द की इज कंपाउंडिंग, और अपना कैपिटल अमाउंट बढ़ता रहना चाहिए 15-20 साल तक। तो वो हो गया, तो इन्वेस्टमेंट का या प्रॉस्पेक्ट बोल सकते हो इसको। वो है रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान भी जितना जल्दी लोगे उतना अच्छा है, और उसके लिए मैं सबको रिकमेंड करूंगा एनपीएस। अगर आप अर्निंग पर्सन हो, नहीं हो, एनपीएस गवर्नमेंट ने 18 to 65 ईयर्स के लोगों के लिए चालू करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो आप अपना एनपीएस चालू कर दीजिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे ब्रोकर्स है जो बिना पेपर्स के हैसल फ्री एनपीएस चालू करवा देते हैं, या ईकेवाईसी हो जाता है सीधा, आपको बस अपने अकाउंट से पैसा मंथली या फिर एनुअली जो भी आपको सुटेबल है उसके हिसाब से सेव करना रहता है। मान लीजिए अभी 25 साल की उम्र में आप चाहते हो कि 50,000 हो, या फिर एनपीएस का 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट भी है जो हम लोग टैक्स एग्जम्प्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो 1.5 लाख रुपए अगर आप मान लीजिए अब से शुरुआत करते हो, लेट से मेरी उम्र में शुरू करते हो 26 पे, 1.5 लाख रुपीज पर ईयर टू द एज ऑफ 60, द कैपिटल विल बिकम 51 लाख्स, एंड 8% 9% या 10% के रिटर्न्स पे अगर देखा जाए तो ये रिटर्न मुझे 60 ईयर्स के बाद मुझे मिलेगा ऑलमोस्ट 3 करोड़ to 4 करोड़ रुपीज। सो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट फॉर लाइक 50 लाख रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू आर गेटिंग 4 करोड़। सो दैट इज अ होल वेल्थ दैट वी हैव क्रिएटेड विद इन दिस होल पैक। तो उसके लिए भी एक ही की है, चाहिए लो में स्टार्ट करो, पैसा कम लगाओ, पैसा कम लगाओ या ज्यादा लगाओ, कुछ मतलब थोड़ा बहुत रिटर्न्स पे मायना करता है, लेकिन परसेंटेज तो वही रहेगा रिटर्न्स का भी। लेकिन की एक ही है कि जितना ज्यादा जल्दी स्टार्ट करोगे, चाहे अपना आपका पहला मंथ क्यों ना हो जॉब का, उतना ज्यादा फायदेमंद रहोगे आप। फाइनेंशियल प्लानिंग एक एक आफ्टर सर्टन एज आप लोग को पता चलता है कि हाँ भाई मार्केट में बहुत रिस्क है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, फ्यूचर में मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी के लिए
जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना उतना आसान आपको फ्यूचर में मिलेगा। जितना अमाउंट ज्यादा सेव करोगे आपको 10 साल 15 साल में ही आप रिटायरमेंट ले सकते हो। आपको 60 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट काम करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप 15 साल तक कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हो 1.5 लाख 2 लाख ईयरली, या फिर शेयर मार्केट में हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में हो, और उसी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा रहे हो, तो आपको 60 साल तक काम करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें है, तो वही बस 3 चीजें का ध्यान रखना है। किसी भी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद गूगल करके इस बहुत सारी चीजों का आपको पता चल सकता है, या फिर आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हो कि आपको और किस बारे में जानना चाहते हो, क्या क्या आपके सवाल है वगैरह। 3 चीजें ध्यान रखिएगा। पहला है लोन्स, बैड लोन्स पहले बहुत बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर करवाने हैं। दूसरी बात है अपना इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है टर्म इंश्योरेंस बस अर्निंग मेंबर का होना चाहिए, जो भी जो कि 20 टाइम्स ऑफ हिज एनुअल सैलरी, हिज और हर एनुअल सैलरी, और हेल्थ इंश्योरेंस सबका होना चाहिए। और थर्ड प्रॉस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में रिटायरमेंट का भी प्लानिंग हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी जैसे कि आप जानते हो, आप इसी वीडियो को अगर आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो या फिर कॉमेंट करते हो, तभी जाके मुझे पता चलेगा कि मेरा इनपुट कैसा था, आप लोगों को कैसा लगा, कंटेंट कैसा था। और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आप फ्यूचर में क्या देखना चाहते हो, और मेरे पास और सारे फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट्स है मेरे पास, जिसपे मैं आगे चल के वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है। इसी टैंजेंट में जाने वाला है पूरा का पूरा चैनल। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस एनीथिंग दैट आई एम गोना शेयर विद यू।